केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से पहले पूर्व विधायक ने 11,000 दिए जलाकर उनके स्वागत का कार्यक्रम रखा। पूर्व विधायक ने कार्यक्रम को लेकर कहा कि देश की मोदी सरकार आदिवासियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इसलिए हमने गृह मंत्री के सम्मान में दिए जलाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने 11,000 दिए जलाकर उनके भव्य स्वागत का कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम को लेकर ताराचंद बावरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आदिवासी समाज के व्यक्तियों को देश के सम्मानित पदों पर पहुंचाया है, इसलिए हमने उनका बड़ी आत्मीयता से स्वागत किया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में अन्य भाजपा नेता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। 25 तारीख को हमारे देश के भारत सरकार के गृह मंत्री का आगमन छिंदवाड़ा हो रहा है, इसलिए उनके आगमन के पूर्व संध्या के एक दिन पहले यहाँ पर 11,000 दीप जलाकर उनका स्वागत अभिनंदन वंदन किया है। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।